देश के जाने माने संत रामदेव बाबा ने यह कह दिया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद का एकमात्र उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे, लेकिन अब 2019 के चुनाव के पहले यह कहना बहुत कठिन होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जी हाँ, रामदेव बाबा के इस बयान ने सभी को चौंका दिया है और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। उनका यह कहना है कि 2019 से पहले यह कहना मुश्किल होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रामदेव बाबा ने मदुरई में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर यह कहा कि राजनीतिक स्थिति बहुत दुविधापूर्ण है, हम नहीं कह सकते कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। स्वामी रामदेव ने कहा, मैं तो न किसी का समर्थन करता हूँ और न किसी के खिलाफ हूँ। हमारा लक्ष्य सांप्रदायिक भारत या एक हिंदू भारत बनाने का नहीं है, बल्कि हम एक आध्यात्मिक भारत और एक आध्यात्मिक विश्व बनाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि रामदेव बाबा मोदी जी के बेहद प्रशंसक रहे हैं और वे मोदी जी के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं, लेकिन उनके ताजे बयान ने राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल खड़ा कर दिया है और उनके विरोधी भी यह बात कह रहे हैं कि रामदेव बाबा को आखिर हुआ क्या है।